हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इनाजुमा 11 एनिमी सीरीज के वॉच ऑर्डर के ऊपर। इस एनिमी के रिलेटेड इसके तमाम सीजन, स्पेशल एपिसोड्स और मूवीज के ऊपर हम बात करेंगे। जितना इजी और सिंपल हो सके आप उसमें देखने की कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप सीरीज को स्टार्ट करेंगे इसके सीजन 1 से, जिसका नाम था इनाजुमा 11। इसका सीजन 1 है जो रिलीज हुआ था अक्टूबर 5, 2008 से लेकर अप्रैल 27, 2011 तक। इसके फर्स्ट सीजन के अंदर आपको टोटल 127 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड के लिए अंदर नीली 24 मिनट, और माय एनिमलिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिलती 7.66 की, और काफी पॉपुलर सीजन था। तो सीजन 1 देखने के बाद अब इस सीरीज की फर्स्ट मूवी देखेंगे, जिसका नाम था इनाजुमा 11 द मूवी। ये मूवी रिलीज हुई थी दिसंबर 23, 2010 को। इस मूवी के लिए अंदर टोटल 1 आवर एंड 30 मिनट, तथा इस मूवी को रेटिंग मिलती 7.34 की। इस एनिमी सीरीज की फर्स्ट मूवी है। तो मूवी 1 देखने के बाद अब इसका सेकंड सीजन देखेंगे, जिसका नाम था इनाजुमी 11 गो। इस सीजन रिलीज हुआ था मई 4, 2011 से लेकर अप्रैल 11, 2012 तक। इस सीजन के अंदर आपको टोटल 47 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड के लिए था नियरली 24 मिनट, और माय एनिमलिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिली थी 6.96 की। तो ये सीरीज का सेकंड सीजन है। तो सेकंड सीजन देखने के बाद अब इसकी सेकंड मूवी देखेंगे, जिसका नाम था इनाजुमी 11 गो द अल्टीमेट बॉन्ड ग्रिफ्टन। ये मूवी रिलीज हुई थी दिसंबर 23, 2011 को। इस मूवी के लिए था टोटल 1 आवर 30 मिनट, और माय एनिमलिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.39 की। तो सेकंड मूवी देखने के बाद अब इसका थर्ड सीजन देखेंगे, जिसका नाम था इनाजुमी 11 गो क्रॉन स्टोन। ये सीजन रिलीज हुआ था अप्रैल 18, 2012 से लेकर मई 1, 2013 तक। इस सीजन में आपको टोटल 51 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड के लिए था नियरली 23 मिनट, और माय एनिमलिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिली है 7.21 की। ये सीरीज का थर्ड सीजन है। तो सीजन 3 देखने के बाद अब इसकी थर्ड मूवी देखेंगे, जिसका नाम था इनाजुमी 11 गो वर्सेस डंबल सिंकी डब्ल्यू। ये मूवी रिलीज हुई थी दिसंबर 1, 2012 को। इस मूवी के लिए था टोटल 5 आवर एंड 30 मिनट, और माय एनिमलिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.95 की। ये सीरीज की थर्ड मूवी है। तो इस मूवी को देखने के बाद अब इसका फोर्थ सीजन देखेंगे, जिसका नाम था इनाजुमी 11 गो गैलेक्सी। ये सीजन रिलीज हुआ था मई 8, 2013 से लेकर मई 19, 2014 तक। इस सीजन के अंदर आपको टोटल 43 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड के अंदर नियरली 23 मिनट, और माय एनिमलिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिली है 6.63 की। तो इस सीरीज का फोर्थ सीजन देखने के बाद अब इसकी फोर्थ मूवी देखेंगे, जिसका नाम था इनाजुमी 11 जोजिन ड्रीम मैच। ये मूवी रिलीज हुई थी जून 13, 2014 को। इस मूवी की लेंथ है टोटल 49 मिनट, और माय एनिमलिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.94 की। ये सीरीज की फोर्थ मूवी है। तो इस मूवी को देखने के बाद अब इसका फिफ्थ सीजन देखेंगे, जिसका नाम था इनाजुमी 11 एरिया केक ऑफ। ये सीजन रिलीज हुआ था अप्रैल 6, 2018 को। इस सीजन में आपको टोटल 26 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड के लिए था नियरली 23 मिनट, और माय एनिमलिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिली है 6.68 की। और ये इसका फिफ्थ सीजन है। तो इस सीजन को देखने के बाद अब इस सीरीज का नेक्स्ट सीजन देखेंगे, जिसका नाम था इनाजुमी 11 ओरियन नो काकोइन। इसका सिक्स सीजन है जो रिलीज हुआ था अक्टूबर 5, 2018 से लेकर सितंबर 27, 2019 तक। इस सीजन के अंदर आपको टोटल 49 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड के लेंथ है नियरली 23 मिनट, और माय एनिमलिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिली है 6.85 की। और अभी तक ये इसका लास्ट सीजन है जो रिलीज हुआ है। इसके अलावा इसके बहुत सारे स्पेशल एपिसोड्स या ओवी एपिसोड्स और ONA टाइप के एपिसोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मोस्टली एपिसोड रिकैप हैं, जो बहुत ही लो एनिमेशन में बनाए गए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, वरना मोस्टली एनिमी फैन इन्हें स्किप कर देते हैं, इतना वैल्यूएबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपकी फेवरेट एनिमी के वॉच ऑर्डर बताता रहूँ। एंड थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।